मेरे परिवार में 20 लोग हैं तो देयर आर 20 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में 20 लोग नहीं है तो देयर आर नॉट 20 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज एवरीबॉडी? आई होप दैट एवरीबॉडी विल बी फाइन। And today, I am going to present an interesting chapters now. तो friends, आज मैं बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस topic पे बातें कर रहे हैं। इस topic है इसके पहले हमने introductory it भी बताया था। Introductory there पे बात करेंगे। इसके पहले हम बताए थे कि introductory यानी introductory कैसे बनता है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, और इंट्रोड्यूस को जैसे हम नाउन बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, इंट्रोड्यूसर मतलब परिचय देने वाला, और इंट्रोडिक्टरी का मतलब होता है कि परिचय से संबंधित, यानी ट्रांसलेटर, अनुवादक। कहते हैं कि देयर का कोई मीनिंग्स नहीं होता है, जैसे हम लोग देयर मतलब वहाँ कहते हैं, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि देयर जो है सेंटेंस में आकर सेंटेंस का जो अधूरा ख्वाब को पूरा करता है, यानी जो अधूरा है ना उसके पूरा करने का काम देयर करता है। इसीलिए यहाँ पे आज हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को देयर का यूज़ बताएं कि आखिर इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, ये हम पहले ही बता दें, और यहाँ आप जब सेंटेंस देखेंगे और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लिखे हैं कि एक राजा है। अब एक राजा है तो दिक्कत ना होता है कि कैसे बनाएंगे भाई, इज ए किंग तो नहीं बोलेंगे। इसीलिए इस सेंटेंस को, इन दिस सेंटेंस को, यानी इसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देयर लाएंगे, तो देयर इज ए किंग, वेरी गुड। एक कौवा था, तो इसको भी अधूरा सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग देयर लगाते हैं, पास्ट है इसलिए वॉज लगाएंगे, देयर वॉज ए क्रो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक मोटा लड़का है तो क्या करेंगे, देयर इज ए फैट बॉय, सिंपल। अब देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो देखिए क्या करेंगे, तो क्या करें, तो देयर आर कितने दिन होते हैं, 7 डेज एक सप्ताह में, इन ए वीक, है ना। अब और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं, तो और भी थोड़ा सा बड़ा देखते हैं कि और भी अच्छे तरह। अब आप कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो फिर इसमें देयर भी लगा के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, क्या आराम से बन सकते हैं क्या? अब आप कहेंगे यहाँ पे, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो इस सेंटेंस को भी देयर लगा के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देयर इज एक मंदिर, ए टेम्पल, अब मेरे गांव में तो कहेंगे इन माय विलेज, तो देयर इज ए टेम्पल इन माय विलेज, क्या? अब आप कहेंगे आपके गांव में एक छोटा मस्जिद है, आराम से बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, देयर इज ए छोटा, तो क्या होगा, स्मॉल स्मॉल मस्क इन योर विलेज, क्या बन नहीं सकता है, आराम से बना सकते हैं। और भी कुछ हम अब सेंटेंस लेते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे कि पेड़ पर बहुत चिड़िया है ना, तो देयर आर क्या हो जाएगा, देयर आर। अब चिड़िया चूंकि क्या है, इसके पहले हम वीडियो में काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो चिड़िया यहाँ पे काउंटेबल ऑन है, इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसका पुलल बना सकते हैं, इसीलिए बहुत की इंग्लिश हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मेनी, तो देयर आर मेनी। यहाँ पे क्या करेंगे, बर्ड्स, और पेड़ पर, इसीलिए पेरिपोजिशन ऑन द क्या कहेंगे, ट्री, तो देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, या कुछ भी आप कहेंगे कि कुर्सी के नीचे एक बिल्ली है, है ना, तब क्या बोलेंगे कि देयर इज ए कैट अंडर ए
चेयर, देयर इज ए कैट अंडर ए चेयर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जैसे आप कहते हैं कि आसमान में अनेकों तारे हैं, तो क्या कहेंगे, देयर आर, अनेक का क्या होगा, आप या काउंटलेस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, काउंटलेस या सेवरल, है ना, यहाँ पे आप सेवरल भी कर सकते हैं। तो देयर आर काउंटलेस या सेवरल स्टार्स, क्या बोलेंगे, स्टार्स, क्या करेंगे, इन द स्काई, तो देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, कोई दिक्कत, आराम से बिल्कुल बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे गांव में गिरजाघर नहीं है, तो क्या करेंगे कि देयर इज नॉट ए चर्च इन माई विलेज, बोलिए बोलिए, हो जाएगा ना, देयर इज नॉट ए चर्च इन माई विलेज, क्या, अब क्या रहेगा तो क्या करेंगे, क्या आपके विद्यालय में बहुत विद्यार्थी हैं, तो क्या बहुत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर लगा देंगे, यहाँ पे देयर आर देयर, बहुत है विद्यार्थी को काउंट कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए बहुत क्या लगेगा, मेनी, तो आर देयर मेनी स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में, तो इन योर स्कूल, तो आर देयर मेनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, है ना, कर सकते हैं ना, चाहे आप कहेंगे क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया था, क्या करेंगे, इस तरह का ऑब्जेक्ट, हमने बहुत सारे एग्जांपल ट्रांसलेशन कर दिया, लेकिन आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, आप बिल्कुल एक अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज में, तो धीरे धीरे बनाएं। जैसे आप, मेरे परिवार में 20 लोग हैं, तो देयर आर 20 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 20 लोग नहीं है, तो देयर आर नॉट 20 मेंबर्स इन माई फैमिली, मैं क्या, मेरे परिवार में 20 लोग हैं, तो आर देयर 20 मेंबर्स इन माई फैमिली, साउंड आपका भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, क्या मेरे परिवार में 20 लोग नहीं है, आर देयर नॉट 20 मेंबर्स इन माई फैमिलीज, है ना, तो ऐसे जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना, जब आपको ओरल बनाने आ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट से ये एडवाइस करता हूँ कि हम जितने भी ट्रांसलेशन बता रहे हैं, आप इतना बना के रुकिए मत, बस कि इस तरह का सेंटेंस 50, 60, 70 बना डालेंगे, तो और भी आपकी प्रैक्टिस होगी और बेहतर आप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्त, अगले वीडियो में बताऊंगा, जैसे आप कहते हैं ना कि एक साल में 365 दिन होते हैं, कि देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, आप क्वेश्चंस एराइज कैसे करेंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर, आप कहते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, तो इस तरह के कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, आप क्वेश्चन क्रिएट कैसे करेंगे और आंसर कैसे देंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप अगला वीडियो देखना ना भूलें, और आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।